एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। प्रदेश के मुखिया के सपनों का शहर इंदौर शहर, जिसने स्वच्छता में छक्का लगाया, जहां मेट्रो भी जल्दी ही आने वाली है और जो शहर स्मार्ट सिटी के बतौर देखा जाता है। जी हां, मैं हूं विनीत और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त जन सरोकार। इंदौर शहर के लगभग हर बड़े चौराहे का नवीनीकरण हुआ है और साथ ही स्वच्छता और सुंदरता भी देखते ही बनती है। पर इंदौर शहर का एक चौराहा ऐसा भी है जहां न तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है न ही स्पीड ब्रेकर, और टोल ट्रैफिक पर भी यहां कोई ब्रेक नहीं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतने व्यस्ततम चौराहे पर आज तक न तो कोई सिग्नल लगा है और न ही कोई स्पीड ब्रेकर बना है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि अब तक इस ओर न प्रशासन का कोई ध्यान गया है और न ही किसी जनप्रतिनिधि का, लेकिन यहाँ के रहवासियों को रोजाना ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंदौर शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक चंदन नगर चौराहे पर जहां लंबे वक्त से न तो कोई ट्रैफिक सिग्नल है और न ही कोई स्पीड ब्रेकर, सिग्नल न होने की वजह से वाहन चालक लापरवाही पूर्वक तेज गति से इस चौराहे को पार करते हैं, जिससे हादसे होने का डर बना रहता है। स्थानीय जनता के अनुसार इस चौराहे पर कई हादसे होते रहते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन हादसों के बावजूद भी आज तक भी कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने जनता के बीच आकर उनकी इस परेशानी को समझने की जहमत नहीं उठाई। अब यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस जन समस्या का समाधान कब तक होगा या ऐसे ही यह चौराहा सिग्नल की राह ताकता रहेगा। इंदौर से दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोए की खास रिपोर्ट। मैं दुर्गेश चंद्रशेखर धुलधोए, एनटीवी टाइम न्यूज के आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर, जो कि है चंदन नगर चौराहा। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट टर्न की तरफ ये जो रोड है, यह गुजरात और राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, और मेरे राइट हैंड आप देख सकते हैं ये जो सड़क है ये इंदौर शहर की तरफ जाती दिखाई दे रही है। इस चौराहे पर काफी लंबे वक्त से ना तो कोई सिग्नल है और ना ही कोई स्पीड ब्रेकर। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस वक्त हम मौजूद है इंदौर के चंदन नगर चौराहे पर और आज बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से और चर्चा करते हैं कि इस समस्या का वो क्या हल चाहते हैं। जो कि इस वक्त हम चंदन नगर चौराहे पर खड़े हैं, जी सर, यहाँ पर लंबे वक्त से ना तो कोई सिग्नल है और ना ही कोई स्पीड ब्रेकर है, क्या कहना चाहेंगे? सर, सिग्नल तो यहाँ पे लगना ही चाहिए, बाकी उसके साथ साथ स्पीड ब्रेकर की बहुत जरूरत है, क्योंकि रात में अधिकतर क्या होता है, इधर से जो वाहन आती है, जो अपने राजस्थान और गुजरात रोड से जो वाहन आती है, ट्रक डंपर वगैरह जो आकार वाले आते हैं, ये अक्सर बहुत स्पीड में आते हैं, तो अक्सर क्या होता है इधर से आने वालों को दिखता नहीं है और रात में मतलब एक्सीडेंट होते ही होते हैं यहाँ पे। तो खास करके यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, सिग्नल लगे या नहीं लगे, बाकी स्पीड ब्रेकर तो यहाँ बनना ही चाहिए। सिग्नल की भी आवश्यकता है, बाकी सिग्नल का क्या टाइम 7-8 बजे का 5-6 बजे का टाइम है, ये टाइम पे ट्रैफिक भी बहुत लगता है, तो सिग्नल की भी जरूरत है और मेन तो सबसे ज्यादा स्पीड ब्रेकर की है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी है। नाइट में तो रोड डेली नाइट में तो सिग्नल मेन क्या सिग्नल इतना जरूरी नहीं जितना स्पीड ब्रेकर जरूरी, क्योंकि गाड़ी वाले अनाधुन आते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाती गाड़ी, तो स्पीड ब्रेकर होना ज्यादा जरूरी है। सिग्नल से तो क्या क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उधर से भी चेकिंग पुलिस रहती है और इधर भी पुलिस वाले तैनात रहते हैं, तो इस वजह से स्पीड ब्रेकर होना ज्यादा जरूरी है, मेन स्पीड ब्रेकर की जरूरत है। अब तक इस चौराहे पर कितने हादसे हो चुके हैं आपको जो देखा है? नाइट में सब कोई सा डे नहीं जाता है जिसमें हादसे नहीं होता, मतलब इंसान बसते बसते मरता है, इंसान मौत के मुंह में सभी बाहर आता है इस चौराहे पर रात में, क्योंकि इधर स्पीड में गाड़ी इतनी स्पीड में आती है कि कंट्रोल हो ही नहीं पाती है। अक्सर रात में क्या होता है कि सब्जी वाली पिकअप वगैरह ये आती तो वो इतनी स्पीड में आते हैं कि आप हो ही नहीं पाता कंट्रोल। चंदन नगर चौराहे पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने पुलिस चौकी बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर चेकिंग भी चलती रहती है, चलती है ना, तो जब यहाँ पर रेड सिग्नल यहाँ पर जब मौजूद नहीं है और आए दिन हादसे होते हैं, तो क्या यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े रहकर यहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रण नहीं करते? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहयोग करते ना, साथ में हम भी करते हैं, वो भी आते, वो भी हमारा सहयोग करते हैं, सब हम भी सहयोग करते हैं, साथ में ऑटो वाले हम सब सहयोग करते हैं, वो भी आ जाते हैं, वो भी उन सहयोग करते हैं, पूरा ट्रैफिक हटवाने में मौजूद रहते हैं वो लोग भी यहाँ पर। आप सभी लोगों क्या ये चाहते हैं कि यहाँ पर रेड सिग्नल, यहाँ पर सिग्नल और यहाँ पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए? बिल्कुल, दोनों दोनों जरूरी है, दोनों ही जरूरी है यहाँ पे, स्पीड ब्रेकर भी और सिग्नल भी। तो हम चंदन नगर चौराहे पर खड़े हैं, आप भी यहाँ के निवासी हैं, इस चौराहे को ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत, स्पीड ब्रेकर की कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है, यहाँ पर 2-3 मौतें भी हो गई हमारे सामने ही, ये सामने हमारे यही भाई तेता चर चुका सोरे के साथी के ऊपर हाथोंबाजी मौत हो गई उसकी, उसके बाद फिर यहाँ पर तक मोटरसाइकिल तकाती तरकाते सिटी बस वाले बहुत दिक्कत थी यहाँ पर, तो सिटी बस वाले 20 चौराहे को भी खड़ी करते हैं, मैजिक वाले भी 20 चौराहे को खड़ी करते थे गाड़ी, और यहाँ पर दिन भर में ही चौराहे को पास में उड़ानी मेरी
और यहाँ पर टक्कर होती होती है, आए दिन टक्कर होती है यहाँ पर। दिन भर में अनुमान लगाए, अनुमान लगाओ तो आपसे 3 से 4 चक्कर तो टक्कर होगी होगी होगी, क्या वो लेडीज हो क्या जेंट्स हो, बच्चे ही गाड़ी चलाते टकराते ही तरखाते हैं यहाँ पर, या आपस में भरा जाएंगे आमने सामने हो जाती है। ये तो कोई स्पीड जाता है गाड़ी लेके वो भरा जाता है, फिर बड़ी गाड़ी आ जाती है टेम्पर ये रेती के वो थी तकाते ही तकाते। भाई अभी ये बीच में यहाँ पर खम्बा ही टूट गया था, यहीं पर बीच में भरा जाती गाड़ी एक आके फुल स्पीड में था वो थी भरा गया था आके। क्या आप लोगों ने कभी वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिस के एवं ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी से इस बारे में बताना चाहा कि इस कोई समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा? आई नहीं ना कोई यहाँ पर, आए तो बल्ला ही है ना, कोई आए तो सही यहाँ, कोई यहाँ पर आज तक आपसे आई नहीं, कोई ने पूछा ही चर्चा ही नहीं करी, और वही आतवा देखते हाँ यहाँ वीडियो बन गई चले गए, मोबाइल ने वीडियो उतार ली बस चले गए, कोई आए ही नहीं आज तक चौराहे को। काफी लंबे वक्त से ना तो कोई स्पीड ब्रेकर है और ना ही कोई ट्रैफिक सिग्नल है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ टाइम तो बहुत हो गया, मतलब कब से लग जाना चाहिए था यहाँ पर, बाकी लगा नहीं, बहुत टाइम हो चुका उस बात को, कम से कम 8-10 साल होगा रोड बने हुए को, बाकी सिग्नल अभी तक लगा नहीं है। आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आम जन को? यहाँ मतलब समस्या तो बहुत सारी है, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, दिन में रात में जब देखो जब होते रहते, 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने कुछ राहगीरों से इस चौराहे के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा बताया गया कि इस चौराहे पर आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए NTV टाइम न्यूज़, जनता की बात जनता के साथ, कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ दुर्गेश धुल्लोए इंदौर। तो आपने देखा इंदौर शहर के आम जन की आवाज, जिसे लेकर आया है NTV टाइम आपके अपने टीवी चैनल सिटी केबल पर। मैं हूं विनीत, लेता हूं आपसे अलविदा, कल फिर इसी समय इसी जगह पर मुलाकात होगी किसी और नए जन सरोकार के मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।